अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल जब्बार है और आप मेरा यूट्यूब चैनल एज इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं। आज दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में लोड सेल चेक करने का एक आसान सा तरीका बताऊंगा कि सिर्फ़ एक मल्टीमीटर और 9 वोल्ट बैटरी से आप किस तरीके से लोड सेल आसानी से चेक कर सकते हैं। दोस्तों आप अगर नए हैं और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। दोस्तों एक मल्टीमीटर और एक 9 वोल्ट की बैटरी की मदद से आप आसानी से लोड सेल को चेक कर सकते हैं क्या ये लोड सेल हमारा सही है या कोई ख़राबी है इसके अंदर। और कोई भी नए लोड सेल को चेक करने का जो बेसिक तरीका है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये देख लें दोस्तों, आपके पास ये 6 वायर वाले लोड सेल है मेरे पास, जिसमें आप देख सकते हैं दोस्तों एक सेंस का है और एक एक्साइटेशन का है, माइनस और प्लस, सेंस और एक्साइटेशन, और दूसरा जो है दोस्तों वो आउटपुट, यानी कि हमारा मिली वोल्ट जो आउटपुट हम लेंगे वो आउटपुट के 2 वायर हैं। इस तरीके से टोटल ये 6 वायर के लोड सेल हैं दोस्तों। आप ये देख सकते हैं हमारे पास टोटल 6 वायर है, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हमने सेंस और एक्साइटेशन को हमने अलग अलग पेयर बना लेना है, माइनस और प्लस को। ये मल्टीमीटर के ज़रिए से देखें दोस्तों, जो आपस में जो 0 बताए उन दोनों को आप इस तरीके से मल्टीमीटर के ज़रिए चेक करके दोनों पेयर को एक कर लें। इसी तरीके से दूसरा एक पेयर बताएगा दोस्तों, ये देख लें, ये देखें, ये एक पेयर है दोस्तों सेंस और एक्साइटेशन का, ठीक है ना। इसको भी अपने इस तरीके से अलग अलग कर लेना है दोस्तों, ठीक है। अब आपके पास 4 हो गए दोस्तों, 4 वायर वाले लोड सेल हो गए, 2 एक्साइटेशन और 2 जो है दोस्तों आपके पास ये देख लें आप सिग्नल के हैं, ठीक है ना। 2 सिग्नल के ये एक्साइटेशन और सेंस को हमने मिला दिया आपस में दोस्तों। ये देख लें, रेड और ब्लू को मिला दिया हमने आपस में, इसी तरीके से ब्लैक और ब्राउन को मिला दिया हमने, ठीक है ना दोस्तों। ये हमारे पास 4 वायर का हो गए। आइए 2 जो है ना हमारे पास ये सेंस के हैं, सिग्नल के हैं दोस्तों, ग्रीन और वाइट, ठीक है ना। तो मल्टीमीटर के ज़रिए से आप जब भी चेक करेंगे दोस्तों, जिस वायर पे ज़्यादा रेजिस्टेंस हो वो हमारा एक्साइटेशन का है, ठीक है ना दोस्तों। ये देख लें मल्टीमीटर के ज़रिए, मैं जब चेक करूँगा आपको दिखाता हूँ आपको। इसे आपने 2K के रेंज पर सेट कर देना दोस्तों, ये देख लें 2K के रेंज पर आपने सेट करना है दोस्तों मल्टीमीटर को। उसके बाद आप चेक करेंगे, देख लें दोस्तों, ये तकरीबन 406 ओम से, तो ये हमारा एक्साइटेशन का है दोस्तों। इसके साथ चेक करेंगे कम बताएगा, ये दोनों देखेंगे आप सिग्नल के, ये 350 है। तो सिग्नल के जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा कम होते हैं और एक्साइटेशन के और सेंस के जो है रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होते हैं। इस तरीके से आपने पकड़ना है, इस तरीके से आसानी से मल्टीमीटर के ज़रिए आपने चेक कर लेना है कि आया सेंस और सिग्नल के वायर कौन से हैं। एक और सिंपल सा मेथड आपको मैं बताने जा रहा हूँ लोड सेल के ज़रिए चेक करने का। ये देख लें दोस्तों, इसे अपने मीटर के ज़रिए, मीटर को अपने इसके साथ कनेक्ट कर देना है, इसके जो सिग्नल के वायर के साथ, ठीक है। ये 9 वोल्ट की बैटरी है दोस्तों आपके पास, ये देख लें, ये 9 वोल्ट बैटरी है, ठीक है। इस 9 वोल्ट बैटरी को कुछ भी नहीं करना, अपने सिंपल इसके एक्साइटेशन के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है ना। बिल्कुल देसी और सिंपल आसान तरीका बता रहा हूँ आपको, जिसके ज़रिए से आप आसानी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को अपने दोस्तों मिली वोल्ट पे सेट करना है। ये देखें दोस्तों, 2000 मिली वोल्ट पे मैंने सेट कर दिया इसको, मिली वोल्ट पे आपने सेट करना मल्टीमीटर को, ठीक है ना दोस्तों। और ये दोनों वायर को अपने इसके साथ कनेक्ट कर देना है, एक्साइटेशन प्लस सेंस को, ठीक है। अब आसानी से ये लोड सेल को एरो के निशान को नीचे रखना है, एरो के निशान को नीचे रख के अपने से हल्का सा प्रेस करना है, तो मिली वोल्ट आपके मीटर पे शो होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये देखें एरो का निशान है, इस निशान को हमेशा आपने नीचे की तरफ रखना है, इसमें कोई गलती ना करें दोस्तों आप। एरो का निशान पे ये देख लें दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये हल्का सा प्रेस करेंगे, देखें दोस्तों ये मिली वोल्ट आपका यहाँ पर शो कर रहा है मीटर पर, मल्टीमीटर पर। इस तरह रख के हल्का सा ये देखें प्रेस करेंगे, ये आपको मिली वोल्ट शो कर रहा है, ठीक है ना दोस्तों। ये आसान सा और सिंपल सा तरीका है, इस तरीके की मदद से आप कोई सा भी लोड सेल बआसानी चेक कर सकते हैं।
कि आया हमारा ये लोड सेल सही है या लोड सेल के अंदर किसी किस्म की कोई ख़राबी है, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी देख लें, दोबारा मैं एक दफ़ा आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, आसानी से आप देख लें, ये देख लें मल्टीमीटर के ज़रिए ये बताएगा, आसानी से बता देता है, ठीक है ना। तो ये मेथड आपने दोस्तों कहीं भी किसी भी लोड सेल के चेक करने का तरीका अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी तरह से आपका पोलरिटी चेंज नज़र आए दोस्तों, तो आपने ये प्लस माइनस के जो सिग्नल और सेंस और एक्सलेशन के वायर है, इसको आपने रिप्लेस कर देना है। ये देख लें दोस्तों, आप बिल्कुल करीब से मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, ये देख लें दोस्तों, ये प्रेस करा आपने, हल्का से प्रेस करना है, देखें मिली वोल्ट आपको रीडिंग दे रहा है मीटर पर, ठीक है ना दोस्तों। ये आपका चेक करने का बिल्कुल सिंपल सा एक आसान सा तरीका है। ये इसका मकसद है कि हमारा लोड सेल जो है वो सही है, लोड सेल के अंदर किसी किस्म का कोई ख़राबी नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर करें, लाइक दोस्तों और कमेंट्स करें, ठीक है ना दोस्तों, ताकि इस तरीके से जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं दोस्तों आपको इसके नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों ये देख लें दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा एक आसान सा तरीका था जो मैंने आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों दूसरे वीडियो में।